मलदेवराम फ्लाई कथा रिंदी गवर्नमेंट कॉलेज मेट्रा सिटी बीए पार्ट सेकंड ईयर पेपर हिंदी सेकंड। आज निबंध के स्वरूप उसके बारे में अपन ने पहले भी अध्ययन किया था, आज उसके बारे में अध्ययन करेंगे। निबंध का स्वरूप, इन निबंध वैसे देखा जाए तो आपके गद्य और पद्य काव्य के दो पार्ट हैं। गद्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है वो निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो प्रसिद्ध इसके समालोचक हैं, उन्होंने काव्य था। यदि गद्य कवि की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध विशुद्ध वार्तिक शब्द है और निबंध यदि गद्य की कसौटी है तो ये देखने में आता है कि भाषा की संपूर्ण शक्ति का विकास वो इस रचना में, और इसके अलावा और भी देखा जाए तो अर्थ विस्तार की जो परख है, और इसके अलावा शैली का जो चमत्कार है, लेखक का जो व्यक्तित्व है, वो सारे दिग्दर्शन आपके निबंध में जिस प्रकार से होते हैं वैसे साहित्य की दूसरी किसी विधा में देखने को नहीं मिलते हैं। निबंध व्युत्पत्ति पर अर्थ भी हमने देखा था, निबंध नी धनबंध धनलुट यानी भावों का समग्र बंधन, भावों का समग्र बंधन जिसका अर्थ ही होता भावों का समग्र बंधन या भावों का विशेष रूप से गुंफन का विशेष रूप से गुंफन। तो इसे गुंफन इसे एक चीज ये निकल के आती है निबंध में आकार जो विस्तार है आकार यानी निबंध अमूमन आपके छोटे जो गद्य रचना है उसके लिए काम में लिया जाता है। आकार जब लघुता एक प्रकार से निबंध की विशेषता मानी जाती है, आकार लघुता ये इसकी विशेषता मानी जाती है। अब बात अपन यदि ये करते हैं लघुता ये कसा तो ये कसा किस चीज का, इसके भी दो अर्थ ध्वनित होते हैं, एक भावुक और विचारों में कसा और दूसरा इस निबंध के आकार में कसा विस्तार लागो इसको कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक तो निबंध जो पूरी रचना है या इसका जो विस्तार उसमें लागो यदि इसमें कसावट होनी चाहिए कसा देखा जाना चाहिए, या फिर इसमें भाव और विचार या विचारों का कसा, ये दो प्रकार इसके कसाव इसमें देखे जाते हैं। आगे यदि अपन देखें तो भारतीय और जो पाश्चात्य समीक्षक थे इन्होंने विस्तार लागू को आवश्यक तो माना, लेकिन भारतीय जो समीक्षक हैं वो भावों और विचारों की जो कसावट है उसके ऊपर अधिक जोर देते हैं, जबकि पाश्चात्य जो विचारक हैं पाश्चात्य जो समीक्षक हैं वो आपके व्यक्तिकता इसके ऊपर ज़्यादा बल देते हैं। भारतीय विचारक विचारक भावों और विचार विचारों की कसा पर बल देते, जबकि पाश्चात्य जो विचारक थी या समीक्षक थी व्यक्तिक का जो पर ऊपर ज्यादा बल देते हैं। तो ये दोनों में अंतर है, एक प्रकार से भारतीय और जो पाश्चात्य विचारक है उनके दृष्टिकोण में या उनके नजरिए में। पश्चिम में विचारकों ने निबंध को मन की आपके मुक्त भटकन, मन की मुक्त भटकन और हंसी हंसी में ज्ञान विस्तार करने वाला किसी मजेदार और बहुश्रुत व्यक्ति का वाजनोत्तर एकांत संभाषण ही उन्होंने माना था, किंतु जैसे जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ वैसे वैसे विचार तत्व में वृद्धि हुई, वैचारिकता में वृद्धि हुई थी, वैचारिकता में इजाफा इसलिए अपन यदि वैसे भी देखें तो एक प्रकार के वो निबंध की जो श्रेणी है विचारात्मक निबंध यानी जिसमें भाव
आपके एक प्रकार से भाव का संबंध सीधा हृदय से होता है, वो तत्व थोड़ा कमजोर रहता है और इसमें विचार तत्व यानी बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। तो वो वैचारिकता विचार प्रधान जो जीवन है, किसी विषय पर मंथन करके या विचार करके जो बातचीत लिखी गई है वो आपके विचारात्मक निबंधों की श्रेणी में आता है। तो ये जैसे जैसे वैज्ञानिकता का विकास हुआ वैसे वैसे वैचारिकता में बुद्धि तत्व में आपके इजाफा अपने को देखने को मिलता है। हिंदी में निबंध के लिए और भी कुछ शब्द काम में लिए जाते हैं, यथा जैसे लेख, संदर्भ है, प्रस्ताव है, रचना है, प्रबंध है आदि भी इनके लिए काम में लिए जाते हैं। निबंध के लिए लेख, विचार, प्रस्ताव, संदर्भ, प्रबंध आदि नाम भी इसके लिए लिए जाते हैं। और इसके अलावा और भी देखें तो निबंध एक प्रकार से छोटी से या छोटे से छोटे विचार को लेकर विचारों को ठूस ठूस करके जो आपके लिखे गए उनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रकार से निबंध की श्रेणी में मान लें। तो इनके बारे में भी अपन थोड़ा और देख लेते हैं कि लेख क्या होता है। लेख का संबंध वस्तुपरक यानी वस्तुनिष्ठ जो गद्य लेखन है उसको अपन कहते हैं आर्टिकल, वो आपके लेख की श्रेणी में आता है आर्टिकल। और ये भी किस रूप में वस्तुनिष्ठ रूप में, वस्तुनिष्ठ रूप में कोई छोटा सा जैसे बिंदु लेकर के आपको उसके ऊपर जो आर्टिकल लिखा जाता है वो लेख से संबंध होता है। और थोड़ा आगे अपन देखें तो जैसे इसमें एक आता है प्रस्ताव, वो इसका छोटा रूप होता है, लेख से थोड़ा छोटा रूप वो आपके इसमें आएगा, प्रस्ताव के अंतर्गत आएगा। और विषय विशेष के किसी विशिष्ट प्रसंग को लेकर के जो बात या जो विचार प्रकट किए जाते हैं उसी का सूचक शब्द है वो संदर्भ होता है। रचना से तात्पर्य एक इसके अंतर्गत रचना भी आती है, रचना से तात्पर्य कोई रचनाकार या कोई कृतिकार जिस रचना की रचना करता है वो इससे संबंध होता है। और इसके अलावा एक जो शब्द इसके अंतर्गत आता है वो प्रबंध आता है। प्रबंध अपन ने देखा भी है, प्रबंध संस्कृत का जो शब्द है इसके अंतर्गत किसी विषय या वस्तु का सांगोपांग जो वर्णन होता है वो आपके प्रबंध के अंतर्गत आता है। सांगोपांग वर्ण आपके प्रबंध के अंतर्गत आता है। तो ये आपके निबंध के लिए और जो प्रचलित शब्द हैं उनके अलग अलग अर्थ अपन ने देखे। संस्कृत साहित्य में निबंध के नाम से जो साहित्य प्राप्त है उसमें थोड़ा यदि अपन देखें तो एक प्रकार से अंतर देखने को मिलता है। आज का जो हिंदी निबंध है उस अर्थ का या उस अर्थ की विशेषता आपके संस्कृत का जो निबंध साहित्य है वो नहीं बता पाता है, क्योंकि संस्कृत में निबंध सूत्रमय शैली में भाव गुंफन की एक प्रकार की कला है, जबकि आधुनिक जो हिंदी निबंध है मुक्त मनोदशा का उद्गार करने वाले हैं। चित्रमय शैली, सूत्रमय शैली संस्कृत जो निबंध या जो निबंध रचना जिसको एक प्रकार से अपन प्रबंध कहते हैं उसमें सूत्रमय शैली थी, इसको सूत्रमय शैली को एक प्रकार से आप समाज शैली के अंतर्गत भी ला सकते हैं। यानी समधन पास विचारों को पास पास रखना यानी बिल्कुल छोटे रूप में कहना वो आपकी एक प्रकार की समाज शैली के अंतर्गत हो जाती है। तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी यही सूत्र वाक्यों को देने का प्रयास आगमनात्मक और निगमनात्मक पद्धति थी उसके अनुसार उसने अध्ययन करने का एक अलग अलग तरीका भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस क्षेत्र में बताया था। निबंध के इन दोनों रूपों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कहकर एकत्र करने का प्रयास किया कि शुद्ध जो विचारात्मक निबंध है निबंधों का उत्कर्ष वही कहा जा सकता है जहाँ एक एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा करके ठूंस दिए गए हों और एक एक वाक्य किसी संबंध विचार खंड के लिए हो। इस परिभाषा पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध खरे उतरते हैं। वो मानते भी थे कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध आपके गद्य की कसौटी है। उनके अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। अब महत्वपूर्ण अंग क्यों है, हमने पहले भी देखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना था कि निबंध साहित्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा है और विशेष रूप से गद्य क्षेत्र में, क्योंकि भाषा की संपूर्ण शक्ति का विकास निबंध में होता है। लेखक का व्यक्तित्व क्या है उससे भी परिचय अपन निबंध के माध्यम से भी हो सकते हैं और भावों का समग्र बंधन भी आपको इसी में देखने को मिलता है। और जन विकास का ये यथार्थ आपके पत्रक होता है, अर्थ विस्तार के पर्व हो या शैली का विस्तार हो या अनुवाद प्रवाह हो, भाषा का प्रवाह हो, ये सारी चीज़ें आपको निबंध में जिस रूप में देखने को मिलती है साहित्य की दूसरी विधा में अपने को देखने को नहीं मिलती है। ऐसे विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के थे। निबंध के लिए अंग्रेजी में एक शब्द काम में लिया जाता है ऐसे, उसके लिए आप एक प्रकार से थीसिस और दूसरा एक जो शब्द है ट्रीटाइस वो भी इसमें काम में लिया जाता है। इन दोनों में वही अंतर है, जो प्रबंध और निबंध में अंतर है वो वैसा का वैसा अंतर आपके ऐसे और आर्ट इसके अंदर के ट्रीटाइज के अंदर देखने को मिलता है। निबंध अंग्रेजी के ऐसे शब्द का हिंदी रूपांतर भी है, ये लैटिन के एग्जियर से उत्पन्न है या व्युत्पन्न है जिसका अर्थ होता है निश्चिततापूर्वक परीक्षण करना। फ्रेंच का ऐसा ही शब्द भी इसी से व्युत्पन्न है और ऐसे शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मोंतेन ने किया था। वैसे निबंध का इसको जन्मदाता माना जाता है, ये फ्रेंच साहित्यकार था और मोंतेन ने प्रयास के अर्थ में इसका प्रयोग किया है। मोंतेन ने ऐसे में निबंध में कल्पना अनुभूति और व्यक्तित्व, कल्पना अनुभूति और व्यक्तित्व, कल्पना अनुभूति और व्यक्तित्व, यानी इनका एक प्रकार से योग आपके मोंतेन निबंध में मानता है और एक प्रकार से उन्होंने निबंध को परिभाषित भी करने का प्रयास किया है। निबंध वो रचना है जिसके अंदर के विचारों उद्धरणों और आख्यानों का मिश्रण होता है। विचारकों में निबंध की परिभाषा के संबंध में भी मतैक्य नहीं है। मैंने पहले भी एक दो हफ्ते कहा था कि मुंडे मुंडे रुचि मुंडे की अलग अलग रुचि होती है और अपने अपनी रुचि के अनुसार निबंध है या कोई दूसरी साहित्यिक विधा है उसको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। तो बिल्कुल निबंध की परिभाषा को लेकर के भी विद्वानों में मते के देखने को नहीं मिलता है। रामचंद्र शुक्ल और निबंध के जो जनक हैं मोंतेन हैं जो फ्रेंच साहित्यकार हैं दोनों के विचारों को भी अपन देख चुके हैं, तो दोनों के विचारों में लगभग थोड़ा अंतर अपने को दृष्टिगत होता है या दिखाई देता है। भारतीय विचारकों के प्रतिनिधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने निबंधों में पर्याप्त चुस्ती और वैयक्तिकता को एक प्रकार से इन्होंने चर्चा की, यानी चुस्ती को इन्होंने आवश्यक और वैयक्तिकता जबकि पाश्चात्य जो विचारक है वो केवल निबंधों में वैयक्तिकता के ऊपर ही बल देते हैं। ये पाश्चात्य विचारक यही दोनों में अंतर देखने को मिलता है। इसी संदर्भ में एक अपन अध्ययन कर सकते हैं, प्रभाकर माचवे ने हिंदी निबंध में निबंध की परिभाषा देते समय व्यक्ति पर ही अधिक ध्यान दिया था, यानी व्यक्तिकता। और वैसे अपन बात करें ललित निबंधों की तो ललित निबंधों में निबंधकार के व्यक्तित्व पूर्ण रूप से दृष्टिगोचर होता है। इन्होंने क्या लिखा निबंध के लिए, निबंध घुमंतु कबायली तथा यायावर प्रकट का चित प्रवासी साहित्यकार है, घाट घाट का पानी उसने पिया है, कई सराय और होटलों में वे ठहरा है, मगर उसका मंजिले मकसद अंततः आत्मकथन या अपने निकटतर व्यक्ति को लिखे जाने वाले पत्र के समान है। उसमें लेखक की रुचि है, रुचि भी निश्चित है, स्पष्ट है। ये परिभाषा जो बता रही है इसमें लेखक का जो व्यक्तित्व है वो प्रदान होता है। जे बी क्रिस्टले ने भी निबंधों के संबंध में जो बात कही है वो निबंध को रेशियालाप यानी रेशिय का लाभ करने और सच्चा प्रेम प्रलाप रूप वो मानते हैं। लिंड भी इसके संबंध में अपने क्या विचार देते हैं, जिंदा दिल्ली के साथ बुजुर्गी और सुंदर बकवास होना आवश्यक है निबंध में। तात्पर्य यह है कि पाश्चात्य विचारकों ने निबंधों में व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति में सारी कला का निखार मान लिया था, तो ये एक प्रकार से निबंध का जो स्वरूप था। अगले अध्याय में अपन निबंध की क्या क्या परिभाषाएं भारतीय और पाश्चात्य विचार की उन पर विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।